अरे लॉकडाउन के बाद स्कूल आए हैं, मजे तो आज वो आएंगे, टीचर को ऐसा फंसाएंगे ना। अरे अरे हैव पेशेंस, सारी ऑनलाइन क्लास की धुलाई यही निकल जाएगी। अरे अरे मैम आके चुप रहो। गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन के बाद स्कूल आने के लिए कैसा लग रहा है मेरे छुटंकों और बदमाश लोगों को? हाँ, और कुछ रूल्स है देखो। क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? तुम्हारा मास्क कहाँ है? सॉरी मैम, मेरे पास मास्क है लेकिन मैं भूल गया। क्यों भूल गए? और आप ढंग से मास्क पहना करो, ठीक है? नोज और माउथ दोनों कवर होने चाहिए। और हमारे अपने साथ हमेशा एक हैंड सैनिटाइजर रखना, और अगर नहीं रखे ना तो ये डंडा जरूर पड़ेगा। और सारी ऑनलाइन क्लास की धुलाई भी यही निकाल दूंगी। हाँ, सबसे ज्यादा नजरें तो तुम पे है। चलो तो सबसे पहले सब बच्चे अपने बैग से हैंड सैनिटाइजर निकाल के अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे, ठीक है? यस मिस। आई होप सब अपने साथ सैनिटाइजर लाए हैं, एज तुम लोगों को व्हाट्सएप में नोटिस दिया भी गया था। देयर सब क्लीन। माश, तो जैसे कि तुम सबको पता है ये तुम्हारा पहला ईवीएस क्लास है। एक सेकेंड, चो हो गया। तो मैंने तुम लोगों को जो सब भी ऑनलाइन में पढ़ाया था उससे आगे मैं आज तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अटेंडेंस। पिंकी प्रेजेंट मैम। उषा प्रेजेंट मैम। बिलिंदा प्रेजेंट मैम। सबसे बदमाश और बदमाश आयुष प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, सब प्रेजेंट है। और इतना बड़े छुट्टी के बाद तो प्रेजेंट तो होना ही चाहिए। इतना छुट्टी मिल गया और कितना लोगे भाई? तो बच्चों आज हम लोग तुम्हारे चैप्टर 2 पे जाएंगे, हेल्थ और हाइजीन, ठीक है? तो हेल्थ और हाइजीन में सबसे पहले आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, ओके? तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, माउथ, मेरा मतलब टंग और स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो आईज का फंक्शन है सी, नोज का स्मेल, ईयर का हियर, ईयर का ईयर नहीं, ईयर का सुनना, हियर, ठीक है? कंफ्यूज मत होना और अपने कॉपीज में ये सब नोट करो, फिर एग्जाम में मैं नहीं बैठी हूँगी बताने के लिए। हाँ, टंग का होता है टेस्ट और स्किन का होता है फील। गुड, चैप्टर फिनिश। हैं मैम, बट हमने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, इतना सारा जो पढ़ाया। हे भगवान, तुम लोगों को पता नहीं है मैं हमेशा होमवर्क देती हूँ और लॉकडाउन में तो कुछ होमवर्क मिले नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे असाइनमेंट तुम लोग करोगे और आधा भी करो। चलो शैतान। और आयुष, तुम अपने कॉपी से ये पेजेस पढ़ना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी से मैं शिकायत करूंगी। हाँ, चलो अपना अपना होमवर्क सभी करो बच्चों। हाँ, होमवर्क तुम लोग अपने प्रैक्टिस रॉफ्स कॉपी में करो, बाकी मुझे अपना कॉपीज दो क्योंकि मुझे चेक करना है। लॉकडाउन में जो असाइनमेंट्स दिया था वो
पूरा किए हो कि नहीं तो देखना ही पड़ेगा ना। अभी हम ना दो मैडम, आपको नोटिस दूं क्या? पता नहीं बच्चों को मास्क पहनना कौन सिखाएगा। चलो नेक्स्ट किसका है? चलो हमारी मिस बाशी का है। उफ, ये बच्चे लोग तो इतने शैतान हैं। पानी पी लेती हूँ। चुप रहो, पानी भी नहीं पीने देते। बच्चों को, अच्छा बच्चों अगर तुम लोगों ने एक और गलती की तो क्या हूं? बेटा पिंकी, आपका हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस किया करो। हैंडराइटिंग गंदा किसी का, राइटिंग गंदा किसी का, स्पेलिंग मिस्टेक्स किसी का, वो किसी का, ये। चलो एक इंसान का सब कट कट कट। हो भगवान आयो रब्बा, इतना बदमाशी क्यों होता है? और असाइनमेंट्स आ गए चेक करने के लिए। अच्छा अगर आप पेन से लिख रहे हो ना बेटा, तो आप भी स्पेलिंग मिस्टेक का अच्छा सा ध्यान रखना। आ गए हमारे नटखट आयुष की। क्या है, खाली कॉपी क्यों? कुछ लिखा करो। चलो ना, किस जन्म में ऐसे स्टूडेंट्स मिल गए मुझे। लो अपने कॉपी, ये लो अपना, आपका साहिब बाप जी, आपका प्रिंसेस। और असाइनमेंट्स भी चेक करनी है। हाँ बच्चों, मैं तुम लोगों को मेरे तुम्हारे टेस्ट के बारे में नोटिस देना चाहती थी, अपना वीडी टैबलेट। अच्छा बच्चों, तो कल है तुम्हारा चैप्टर 2 का टेस्ट, और जो भी होमवर्क लर्न नहीं करके आएगा ना, तो उसको मैं होमवर्क लर्न करना, होमवर्क भी इम्पोर्टेंट, और ये जो मैंने लिखा है ना, ये अगर गलत हुआ ना तो मेरी ज्वालामुखी फट जाएगी। अच्छा अपना कॉपी देना। बढ़िया, ठीक है बच्चा, तुम लोगों की ही आज की क्लास यही खत्म हुई। हाँ चलो हमने हमने अभी मास्क पहनो। शैतानो, अपने अपने बैग पैक्स करो, प्रिपेयर करो। चलो इन बच्चों से तो छुटकारा मिला। लॉकडाउन में स्कूल खुलने के बाद फिर भी लोग बदले नहीं हैं। बाय मेरे मोबाइल में देखने वाले और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, और बाय मेरे शैतानों और चार बंदरों, बाय। हाँ हाँ, मुझे मेरे फ्रेंड से भी बात करने, बाय। हे गाइस, होप आपको ये अच्छा लगा, और ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये वीडियो मैंने मेरे किसी भी टीचर को ब्लेम करने के लिए नहीं बनाया है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए बना है, और आपकी उस मुस्कुराहटती हुई चेहरे पे और मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है मैंने। होप आपको ये अच्छा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाँ हाँ हाँ, ऑटो मैं